मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ने वाले हैं वसंत आया, ठीक है तो पूरी फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। पहले जो कवि होते हैं वो जो वसंत का वर्णन करते हैं, कहते हैं जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते। कहते हैं कि मेरी जो बहन है वो कहती है, ठीक है, कि एक जो बंगला है उस पर क्या है, अशोक का वृक्ष है, उससे पत्ते गिरे हैं जो कि कैसे हैं, पीले रंग के हैं। जब पत्ते सूख जाते हैं तो पीले रंग के हो जाते हैं और उन पे चुरमुराने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। वो सूखे पत्ते जब किसी के पैरों से पड़ते हैं तो कैसे चुरमुराने की आवाज़ आ रही है, ऐसा ही होता है वसंत ऋतु में, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, और ऐसा लगा जैसे सुबह 6 बज रहे थे और एक बहुत ठंडी सी हवा आई, ऐसे गर्म एक ठंडी सी मतलब नहीं गर्म हवा आई और वो ना सबको छूकर मतलब चली गई, जैसे कि किसी गर्म पानी से नहा कर आई हो, ऐसी हवा थी। तो इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मैं आपको अलंकार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपको ना सप्रसंग व्याख्या करनी होगी ना इसकी, तो आप क्या करोगे, विशेष में लिखोगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो इन दो जो लाइन थी उनमें क्या था, मानवीकरण अलंकार था, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना की गई है हवा की वो मानव से कर दी गई है, क्योंकि नहाकर कौन आता है, मानव, और यहाँ पर क्या, हवा नहाकर आई है, ऐसे बोला गया, ठीक है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। क्या हुआ कि जब मैं कल का जो कवि है वो कहता है मैं जब कल जा रहा था ना फुटपाथ पर और मेरे जो पैरों से जो पत्ते थे वो चुरमराने लगे, ठीक है, तब मुझे पता चला कि वसंत आ गया है, और फिर उसके बाद जब मैंने कैलेंडर देखा तब मुझे पता चला कि हाँ इस महीने में इस दिन को क्या है, वसंत पंचमी है, ठीक है। और अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। और क्या था, उन्हें कैसे पता चलता है कि वो कैलेंडर देखते हैं और उनके दफ्तर में क्या होती है, छुट्टी होती है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि इस दिन क्या होगी, वसंत पंचमी होगी और उनकी छुट्टी है और वसंत आ चुका है। और उसके बाद ना वो क्या थे, कवि जो थे ना वो कविताएं पढ़ते रहते थे, तो कविताओं से उन्हें पता चला था कि क्या होता है वसंत ऋतु में, जो ढाक के जंगल होते हैं, कौन से जंगल, ढाक के जंगल, वो क्या है, दहर दहर देखेंगे, मतलब कि उनमें क्या आग सी लगेगी, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और क्या होंगे, जो वो पेड़ होते हैं ना उन पे आम बोर आवेंगे, मतलब कि आम की जो छोटी छोटी वो होती है ना वो निकल के आ जाएंगी, जिनके बाद वो आम बन जाते हैं, छोटे छोटे फल से आ जाएंगे आम के, ठीक है। रस गंध से लदे फुदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वरी, मधुपस्त पीक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। क्या होगा कि जो ना गंध से और रस से क्या होंगे, जो वन है बहुत दूर दूर के वो एकदम महकने लग जाएंगे, और जो क्या है कोयल, पिक मतलब कोयल, और जो भंवरे हैं वो अपने अपने कृतित्व कर करके दिखावेंगे, ठीक है, मतलब अपने अपने कोई गाना सा गाएगा कोयल, ठीक है, और कोई भंवरा भटकता सा रहता है, ठीक है, तो ये सब अभ्यास कर करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे आज मैंने जाना कि वसंत आया। इस पोएम में ना, इस कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं वो यही दो लास्ट की हैं, कि यही नगण्य दिन जानूंगा, मुझे ऐसा मतलब महसूस नहीं होता था कि ऐसे दिन जानूंगा कि वसंत पंचमी है, क्योंकि देखो जो मौसम है ना, यहाँ पर जो कवि है ना वो कटाक्ष करते हैं किस पे, मनुष्य की प्रवृत्ति पे, कि ना जो मौसम है ना
उसके साथ तो हमेशा रहते ही हम लोग कॉन्टैक्ट में। अभी सर्दियाँ है, मैं पता रहा कि हाँ ये पहनना है वो पहनना है, गर्मियों में अच्छी चीज। पर जो वसंत था ना, उसके आने का मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जो आजकल लोग हैं ना, वो अपने जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए ना कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब वसंत है, कब कौन सी ऋतु चल रही है। बस दो ही ऋतु रह गई उनके लिए, वह गर्मी और सर्दी। और वो भी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो मतलब कि उसकी वजह से उन्हें कपड़े वगैरह पहनने पड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो वो भी ना पता चले उन्हें। ठीक है, तो इसी पर वो कटाक्ष करते हैं कि मुझे नहीं पता था, ये कैलेंडर देख के मैं जानूंगा कि वसंत आ गया है। क्योंकि जो लोग पहले प्रकृति से जुड़े होते थे ना, वो ऐसे ही पहचान लेते थे, अच्छा ये महीना चल रहा है, अच्छा ये महीना चल रहा है, इस तरीके से और सूरज मतलब इस प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पर आज ऐसे दिन आ गए हैं ना जो लोग कैलेंडर देख देख के जानते हैं, अच्छा अब वसंत है, अब सावन है, अब ये महीना है, इस तरीके से। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो प्रकृति से कितना ज़्यादा कट गया है। और वो प्रकृति, और वो क्या कहता है कि मैंने, मुझे ना ये सब चीज़ें मैंने देखी भी नहीं है कि ढाक के जंगल, बस मैंने जो कविताएं पढ़ी है ना उनके अनुसार मुझे पता है, क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका हूँ। अगर दफ्तर की छुट्टी ना होती और फुटपाथ पर वो पत्ते वत्ते ना पड़े होते तो मैं तो बिल्कुल ही भूल जाता कि वसंत पंचमी थी और चली भी गई। ठीक है, तो यही है।